भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को धर्मशाला में सीरीज का तीसरा T20 मैच खेला गया और इस मुकाबले में भी भारत ने एक तरफा खेल दिखाते हुए श्रीलंका को आखिरी T20 मैच 6 विकेट से मात दी है और टीम इंडिया इस सीरीज को पहले ही वैसे तो नाम कर चुकी थी, लेकिन 3-0 से हराने की मजा कुछ और ही है। लेकिन हम आपको बता दें कि 3-0 से हराने के बाद टीम इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड और इतिहास रच दिया है, जिसे देखकर समूची क्रिकेट टीम हैरान रह गई। और इस मामले में भला ऑस्ट्रेलिया कैसे पीछे रहने वाला था। ऑस्ट्रेलिया वो क्रिकेट टीम है जिसको भारत ने उसी के घर में घुसकर हराया है और जिसका सदमा ऑस्ट्रेलिया को अभी तक लगा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया भारत को लेकर अब एक ऐसा बयान दे रहा है कि सुनकर या देखकर हर कोई हैरान रह गया। खैर, हम जानते हैं कि भारत ने लगातार 12वां मुकाबला जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, लेकिन इसको लेकर T20 वर्ल्ड कप को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जो आपको भी हैरानी में डालेंगी। तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, बताने से पहले कि भारतीय टीम के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने क्या कुछ कहा, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं आखिर भारत ने कौन सा इतिहास रचा है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम ये लगातार 12वीं जीत है और इस मामले में भारत ने अफगानिस्तान की बराबरी कर ली है। भारत ने पहले अफगानिस्तान ने 12 लगातार मुकाबले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हैं। भारत की बात करें तो इन 12 मैचों में से 9 मैच रोहित की कप्तानी में जबकि 3 मैच विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने जीते हैं, जो T20 विश्व कप 2021 में खेले गए थे। तो मैं आपको बता दें कि भारतीय टीम का नया कप्तान है और ये नई टीम है और इस नई टीम का T20 इंटरनेशनल सीरीज में विजयी अभियान लगातार जारी है। भारतीय टीम ने जो सिलसिला साल 2021 के T20 विश्व कप के आखिरी 3 मैच जीतकर शुरू किया वो सिलसिला अब भी जारी है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने लगातार तीसरी T20 सीरीज में सामने वाली टीम को क्लीन स्वीप किया है और भारत ने इस बार श्रीलंकाई टीम का सुपड़ा साफ किया है। धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 नेशनल मैच में भारत ने 6 विकेट से जैसे ही श्रीलंका को हराया, इसी के साथ लगातार तीसरी T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया और भारत ने इससे पहले वेस्ट इंडीज को 3-0 से, इससे पहले आखिरी बार न्यूजीलैंड को भी 3-0 से, इस तरह भारत का इस प्रारूप में जीत का सिलसिला जारी है। और इसको लेकर अब ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज खिलाड़ी ने बहुत बड़ी बात करी और T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम को लेकर जो बयान दिया है वो आपको हैरानी में डालेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रैड हॉग ने कहा है कि भारतीय टीम जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रही है ये अविश्वसनीय है और ऐसी कल्पना हम भारत जैसी टीम से ही कर सकते हैं। आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम अब एक प्रबल दावेदार बन रही है, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर भी सवाल उठाए और उस बारे में उन्होंने अपनी राय रखी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने टीम इंडिया के तेज गेंद आक्रमण की गहराई की तारीफ करी है। हाल ही में मोहम्मद सिराज, आवेश खान और हर्षल पटेल जैसे गेंदबाजों ने T20I में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ऐसे में हॉग ने कहा है कि भुवनेश्वर कुमार, दीपक चार जैसे स्विंग बॉलर्स को अंतिम 11 में जगह बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। 52 साल के ब्रैड हॉग ने कहा, T20 क्रिकेट में भारत की तेज गेंदबाजी आक्रमण की गहराई जबरदस्त है। अगर मैं भारत की T20 वर्ल्ड कप के लिए एक टीम चुनता हूँ तो मुझे मोहम्मद सिराज, आवेश खान और हर्षल पटेल की गेंदबाजी को देखते हुए भुवनेश्वर कुमार और दीपक चार को रखना मुश्किल होगा। पूर्व कंगारू स्पिनर ने आगे स्पिन गेंदबाजी को लेकर कहा। खैर, ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी ने कुछ इस तरह से बयान दिया है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।